बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप देख रहे हैं ये स्वेटिंग चेहरे पे। छोड़ो ये बात, मैं आज लेके आया हूँ वे प्रोटीन और कैसीन। वे प्रोटीन के बारे में तो अक्सर सभी ने सुना ही होगा, कैसीन प्रोटीन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो घर पहुँच के मैं इन दोनों के बारे में बताऊँगा, इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है। सो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। जैसे मैंने आपको कहा था कि घर पहुंचते ही इन दोनों प्रोटीन की मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा, तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल हेल्थ बाय जगदीप में। आज हम बात करेंगे कैसीन प्रोटीन और वे प्रोटीन के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम वे प्रोटीन के बारे में। ये आज मैं लेके आया हूँ वे प्रोटीन आइसोलेट, बट आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन, चाहे वो आइसोलेट हो या कॉन्सेंट्रेट हो। वे प्रोटीन हम यूज़ करते हैं पोस्ट वर्कआउट, यानी कि वर्कआउट करने के तुरंत बाद इसको हम यूज़ करते हैं। इसका काम होता है जो भी वर्कआउट के दौरान हमारी मसल्स ब्रेक डाउन हुई, या सरल भाषा में बोलूँ जो भी बॉडी के अंदर तोड़फोड़ हुई है, उसको तुरंत ये रिपेयर करता है, मेंटेन करता है और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए हमको तैयार करता है। तो इसलिए पोस्ट वर्कआउट में इसकी सबसे ज़्यादा नीड होती है वे प्रोटीन की, तो हमेशा इसको पोस्ट वर्कआउट में यूज़ करें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको जल्दी से ठीक होने के लिए तुरंत उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसी तरह हमारी वर्कआउट के दौरान हमारी बॉडी में तोड़फोड़ होती है, उसके बाद वे प्रोटीन दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी तुरंत रिपेयर हो सके, हमारी मसल्स रिपेयर हो सके। तो अब हम बात करते हैं कैसीन प्रोटीन के बारे में। अगर बात करें कैसीन प्रोटीन के बारे में, ये स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है। वैसे हमको स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन में ही रहना चाहिए, सिर्फ पोस्ट वर्कआउट में फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन होना चाहिए, उसके अलावा स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन। ये इसलिए क्योंकि जब हम स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन में रहते हैं तो हमको भूख कुछ देर बाद लगती है, यानी कि अगर हम ये एक स्कूप लेते हैं तो हमें अप्रॉक्स 3-4 घंटे बाद ही भूख लगती है। लेने का ये फ़ायदा है कि जब हम ये लेते हैं तो उसके 3-4 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती, जिसके कारण हम बाहर की कुछ गलत चीज़ें या जंक फूड नहीं खा पाएंगे। जब हमारा पेट पहले से ही भरा होगा तो बाहर की कोई भी चीज़ हम नहीं खा पाएंगे, ये इसका बेनिफिट है। इसमें एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसको हम रात के समय भी ले सकते हैं सोने से पहले, या कहीं हम बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस दौरान भी हम एक स्कूप लेके अपने 3-4 घंटे आराम से इजीली स्पेंड कर सकते हैं। या हम देखें अगर हमें कहीं बाहर जाना है, कुछ खाने के लिए हमारे पास नहीं है, तो हमेशा एक स्कूप कैरी करके रखें। जब भी आप मौका देखें कि 4-5 घंटे तक कुछ मैं खा नहीं पाऊँगा, तो एक स्कूप इसका लें और 4-5 घंटे आप वहाँ पर निकाल पाएंगे ईजिली। ये ज़्यादा बेहतर होता है वे प्रोटीन से। सिर्फ पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वैसे कैसीन प्रोटीन बेहतर है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन फास्ट डाइजेस्टिव होता है, कैसीन प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिव। ये था मेरा आज का टॉपिक, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक।